व्यवहार के आत्मभूमि का वर्णन की चर्चा की धर्मात्मा ने कर्मोदय से दोष आ जाए तो उसे गौण करना और व्यवहार मुख्य मार्ग की प्रवृत्ति को बढ़ाना तो उद्गुण अथवा उद्गंधन है। मोक्ष मार्ग के साधक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के साधक जो जो पुरुष हैं अथवा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के प्रति जो अत्यंत अनुरागी हैं मोक्ष मार्ग को जो समझते हैं केवल व्यवहार मोक्ष मार्ग को नहीं पर जो सच्चे मोक्ष मार्ग को समझते हैं और वर्तमान में सच्चे मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने के लिए जो व्यवहार में प्रवृत्ति कर रहे हैं व्यवहार में प्रवृत्ति तो कर रहे हैं सच्चे मोक्ष मार्ग तक पहुँचने के लिए उसे प्राप्त करने के लिए ऐसे जो मोक्ष मार्ग के सम्मुख धर्मात्मा जी हैं उनमें अनेक कारणों से दोष आ जाता है दोष दिखाई देता है। कभी जब कर्म का सामान्य उदय रहता है विशेष असाता आदि का नहीं रहता है तो जीवन की सामान्य प्रवृत्तियां देखी जाती हैं देव पूजा गुरु उपासना स्वाध्याय संयम तप दान ठीक है ना अथवा श्रावक हो श्रावक के लायक मुनि हो तो मुनि के लायक प्रवृत्ति देखी जाती है और कोई कर्म का विशेष उदय हो और अशक्ति हो जाए तो वो अशक्ति अनेक प्रकार के दोषों के रूप में दिखाई देती है। हाँ वो प्रकरण नहीं है विचलित होने की नहीं है बात प्रवृत्तियां हैं ना मनी के लायक वो कलती ही नहीं दिखाई देती है विशेष ऐसा ऐसा उदय हो तो नहीं कलती ही दिखाई देती है। ऐसा नहीं है कि मुनि की योग्य प्रवृत्ति ही ना हो श्रावक की योग्य प्रवृत्ति ही ना हो अगर सम्यक दृष्टि हो तो उसको सात्विक खलन हो सात्विक शिथिलता हो ऐसी बात नहीं है लेकिन कोई दोष इस तरह का कमजोरियों से दिखाई दे तो उसे गौण करना क्यों गौण करना फालतू रद्दी प्रश्न मत किया अरे इसमें नहीं है वो बात यहाँ तो सम्यक दृष्टि है उसकी बात सम्यक दृष्टि चाहे वो आवृत्ति हो अथवा वो श्रावक हो अथवा वो मुनि हो कोई हो क्योंकि दोष अत्यंत च्युत होने की चर्चा नहीं है अपने योग्य जो प्रवृत्ति है उससे चुत हो जाए जो श्रावक है तो वो बारह व्रतों से ही चुत हो जाए जो श्रावक आ रहा है सम्यक दृष्टि है तो उसे सम्यक दर्शन ही ना रहे तो सम्यक दर्शन है सम्यक दृष्टि ना रहा ऐसा दोष आ जाए उसकी है चर्चा कभी कभी ऐसा हो ये अत्यंत खलन भी होता है क्योंकि वो भूमिका ही नहीं है विष्णु कुमार नहीं थे सम्मत भद्राचार्य थे तो किसी हो गए दोष क्या है वो तो अनाचार है भले वो किसी ने भी किया हो
लेकिन यहाँ अभी कंसेशन तो नहीं है, लिहाज तो नहीं है कि चलो वो खलित हो गए तो ही उनको वैसा मानते रहो, इसलिए उठवाना क्या होगा। वहाँ तो सावकत्व भी नहीं रहा, मनुष्य भी नहीं रहा, सावक अच्युत हो गया, सावकत्व नहीं रहा। विचलित नहीं होते हैं, विचलित होना उनको स्थिति करने में जाता है। यहाँ तो किंचित दोष दिखाई दे, दोष चारित्र मोह के कारण से दोष कितने होते हैं, अनेक प्रकार के नहीं होते हैं। सम्यक दृष्टि है तो उसके चारित्र मोह का तीव्र उदय है, तो उसको जो सामान्य त्याग है वही न दिखाई दे, वो बात नकल करने लायक नहीं है, नकल नहीं करना चाहिए। यही करता है तो हमको क्या दिक्कत है, हमको सम्यक दृष्टि नहीं है। जब सम्यक दृष्टि ऐसा करता है तो हम ऐसा क्यों ना करें। उसकी जो कमजोरी है उसको छिपाना चाहिए, छिपाना चाहिए मैंने क्या छिपाना चाहिए का अर्थ क्या, जो प्रचार नहीं करे उसका ये प्रचार करे वो तो महापापी है, वो जो सम्यक दर्शन का विरोधी है जो उसका प्रचार करे। लेकिन उसमें जो दोष दिखाई दे, दोष दिख जाए तो सचमुच वो दोष न दिखे थे उसको गुण ही गुण दिखे उसको, ये है ना बात असली, उसको उसका गुण ही गुण दिखाई दे। सम्यक दृष्टि में सम्यक दर्शन नाम का भवतारक गुण है, भव का नाश करने वाला वो दिखाई देना चाहिए। इतने कितने महान पुरुषार्थ से सम्यक दर्शन जैसी उपलब्धि पाई है, मैं भी इसी को प्राप्त करूं, अथवा सम्यक दृष्टि ही सम्यक दृष्टि के संबंध में ऐसी बात करे तो उसको कोई दोष दिखाई दे तो भी वो उसको गौण करता है, ऐसा नहीं कि लिहाज करता है, क्योंकि दोनों सम्यक दृष्टि हैं इसलिए एक दूसरे को ढांका करते हैं, ऐसे नहीं होना। लेकिन वो दोष देखने की आदत ज्ञानियों की सम्यक दृष्टियों की होती ही नहीं, वे तो सिर्फ गुण देखते हैं। लेकिन गुण कहाँ देखे जाते हैं कि जहाँ उस कक्षा के लायक संपूर्ण गुण होते हैं, ऐसा नहीं होता। अपने यहाँ ऐसी पद्धति नहीं है कि हम गुणों को कई जगह से बटोरें और इस तरह से फिर इकट्ठा करें, जैसे ईमान तो कहीं से ले लिया, धर्म कहीं से ले लिया, सत्य बोलना कहीं से ले लिया, ब्रह्मचर्य कहीं से ले लिया, इस तरह ब्रह्मचर्य तो ऋषि दयानंद से ले लिया और दान सत्यवादी हरिचंद से ले लिया, तो ऐसी प्रवृत्ति नहीं है। यहाँ तो जितने गुण हैं वे सब के सब उस कक्षा के लायक एक साथ ही रहते हैं, इसलिए हमारे यहाँ गुणों को बटोरने की कोई पद्धति नहीं है। ये लौकिक बात है, लौकिक, जैसे हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार है और वैसी बातें अगर विदेश में नहीं दिखाई देती तो कहते हैं कि हिंदुस्तानियों को वहाँ की नकल करना चाहिए। वहाँ तो जैसे किसी दुकान पर कोई माल बेचने वाला भी नहीं है, पैसे रखाओ पैसे डाल दो और तो ये सीखना चाहिए। यहाँ तो वस्तु को लेने पर भी पैसा नहीं देना चाहता है आदमी, वैसे ले जाना चाहता है उसको, तो पूरा नहीं देना चाहता है, ये प्रवृत्ति सीखना चाहिए, लौकिक है बात। हमें तो कहीं दूसरी जगह तब जाना पड़े कि जब हमारे यहाँ ये बात ना हो। हमारे यहाँ तो हर कक्षा के लायक जो गुण होते हैं वे संपूर्ण होते हैं। सम्यक दृष्टि भी यदि होता है तो उसको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जितना होना चाहिए उतना तो होता ही है। अब जितनी कमजोरी है वो दोष है, तो वो कमजोरी कि जिसके प्रति वो हमेशा सजग है, सावधान है और उसको नष्ट करने के लिए हर समय तत्पर है, फिर भी वो कमजोरी तो है ही और उस कमजोरी की प्रवृत्ति भी दिखाई देगी
तो देखने वाला एक तो कमजोरी को देखे और एक ऐसा होता है कि जो उन गुणों को देखे, तो वह कमजोरी इसलिए देखने लायक नहीं है क्योंकि वह उस कमजोरी के प्रति अनुरागी नहीं, उसको वह चाहता ही नहीं है, लाचारी से उसको होता है इस तरह का, उससे इंचारी है नहीं। तो क्या देखते हैं लोग, ये प्रिंस पानी छान के पीते हैं, तो आदमी के लिए क्यों है ऐसा, और प्रिंस रात को नहीं खाते हैं तो आदमी के, और प्रिंस की जमी गंदा नहीं खाते क्या, आदमी आदमी क्यों ना खाए, उसने क्या देखा, ये तिरंज है जिसमें ये दोष पाए जाते हैं वो तिरंज सम्यक दृष्टि भी हो सकता है, इसलिए तुम्हें तो तिरंज का भी सम्यक दर्शन लेना चाहिए, ये कमजोरियाँ नहीं लेना चाहिए। कमजोरी लो तो ऐसे लो, तुम्हें पड़ोसी ने भी दीवाला डाला है तो मैं भी डालूँगा, और चूँकि इसकी कमाई नहीं होती तो मैं भी दुकान बंद करूँगा, मैं भी कमाई नहीं कर, ऐसा क्यों नहीं लेते, नकल करे तो ऐसी करें जो दूसरे को तसल्ली मिले, एक जेल जा रहा हो तो उसके साथ दूसरा हो जाए तो उसको तसल्ली मिले नहीं, उसने अपराध किया तो ये भी अपराध करके उसके साथ जाए, ऐसा दया धर्म करे जरा। पर ये अवगुणों की नकल करता है, यहाँ तो श्रावक हो उसको श्रावक के लायक सारे गुण सारी समग्रताएं होती हैं, फिर भी चारित्र की कमजोरी है तो वहाँ पर कमजोरी से दोष आ जाए, जैसे आदेश हो और सीमा पर लड़ने जाना पड़े, अब ये रोजाना की प्रवृत्ति है क्या, ये जो कर्मोदय से उत्पन्न हुआ दोषन नहीं है, कभी जो है किसी कारण से झूठ भी बोलना पड़े, झूठ बोलने का उद्देश्य नहीं दिया जा रहा सभा में, लेकिन कभी क्या होता है कि झूठ बोलने का प्रयोजन न होने पर भी किसी की रक्षा के लिए वह करना पड़े, तो हम कहते हैं ये झूठ बोला, इसने ही बोला था झूठ, तो मेरे बोलने में अरे अरे ये तो श्रावक हैं, ये तो पांचवें गुण स्थान वाले हैं, हम तो भी मिथ्या दृष्टि हैं, तो हमारे बोलने में क्या झगड़ा है, यही बोलते हैं। तो ये आकस्मिक जो बातें आती हैं, कर्मोदय से दोष आ जाए, एक तो होता है सामान्य जीवन खाना पीना पहनना इत्यादि, और एक विशेष प्रवृत्ति इस प्रकार की हो जैसे कभी गया और रेल में बिना टिकट बैठना पड़ा, बैठेगा कि नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा, अपनी माँ हो उसका ऑपरेशन बम्बई में करवाना हो और अत्यंत आवश्यक हो कल ही होना हो, तो किसी भी तरह से पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, तो क्या टिकट चुराने का मन है उसका, नहीं देगा टिकट, तो इस तरह क्या नहीं प्रवृत्तियां, लड़ाई करने के लिए गया है सीमा पर तो वह कोई रोज की प्रवृत्ति तो नहीं है, एक विशेष उदय है तो वहां पर लड़ रहा है, मर भी रहे हैं लोग, सारा अस्त्र और शस्त्रों का प्रयोग हो रहा है, तो कहेगा इसने तो हजारों मार दी, मैंने अगर ये चींची मार दी तो क्या हो गया, और चींची ने तो मेरे को काट लिया था इसलिए मैंने मसल दिया, ये तो हजारों आदमी मार के आया, तो चाहता है क्या, दोष मात्र के प्रति सम्यक दृष्टि अत्यंत सजग होता है, बहुत सावधान होता है, दोष भी सम्यक दृष्टि को ही दिखाई देते हैं, अज्ञानी तो दोष को गुण मानता है इसलिए उसको दोष दिखाई नहीं देते, और उनके प्रति वो सजग रहता है, सजग रहता है मैंने उसको मालूम है कि मेरे जीवन में अभी इतनी कमजोरियां पड़ी हैं बस इतना, लेकिन उन कमजोरियों का बार बार विचार नहीं करता, निर्दोष तत्व का विचार करता है कि जिससे भी कमजोरियां, पवित्र तत्व का विचार करता है तो जिससे अपवित्रताओं का, यही तरीका है कमजोरियों का अंत करने के लिए सबलता का विचार करो, अपवित्रता का अंत करने के लिए पवित्रता का, कल्पित प्रबल पवित्रता का नहीं, आगे आने वाली पवित्रता का नहीं, लेकिन वर्तमान में पड़ी हुई जो तात्विक पवित्रता है, एक तो होता जीव एक होता तात्विक जीव,
सात्विक जीव सुना है कभी? एक तो जीव होता है और एक होता है सात्विक जीव। वो सात्विक जीव कौन है? शुद्धात्मा। वो सात्विक जीव के जो हर जीव में पड़ा है, जिसका जीवत्व, जिसका शुद्धत्व, जिसकी अनंत गुणात्मकता और जिसकी पवित्रता कभी समाप्त नहीं होती, उस सात्विक जीव की श्रद्धा करो। उसका पुनः पुनः उसकी श्रद्धा क्या करो? वो मैं हूँ। ऐसा पुनः पुनः मैं तो पवित्र तत्व हूँ, जो ऐसा विचार करता है उसको अपवित्रता का पूरा पता रहता है। अपवित्रता का पता हो और अपवित्रता ही अपवित्रता का, दोषों ही दोषों का विचार किया करे। और जिसको इस विधि का पता ना हो कि दोषों का अंत कैसे होगा, तो वो भी वर्तमान में निपट अज्ञानी है। क्योंकि दोषों का अंत करने के लिए एक पद्धति ये स्वीकार की गई है कि दोषों का विचार करो तो दोष दूर हो जाएंगे। दोषों का विचार करने पर सचमुच जो नजर है वो तो दोष की तरफ ही रही, एक बात तो ये है। दूसरा, जिसने यही नहीं जाना कि दोष का अंत होने पर क्या होना है और किसके अवलंबन से, किसके आश्रय से दोष का अंत होना है, जिसको ये पता नहीं है, तो वह तो निरंतर दोष का विचार करते हुए दोष दर्शन करता है, दोष को देखा करता है, उसको निर्दोष स्थिति नहीं होती। इसलिए हमारे यहाँ दोष दर्शन का उपदेश तो है, दोषों का विचार करने की बात तो है, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना के रूप में। लेकिन उसके भी दो रूप स्वीकार किए गए, एक तो पुराने, वर्तमान और आगे के जो दोष हैं तो उनका त्याग करो, अर्थात मैंने ऐसे पाप किए हैं तो मैं उनका प्रायश्चित करता हूँ, एक तो ये है। यानी यही नहीं करता है वो तो आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए दोषों के प्रति उसके चित्त में इतनी कठोरता होना चाहिए। लेकिन इन दोषों का निवारण किसके अवलंबन से होगा इसका पूरा पता हो तो वो केवल शुद्धात्मा के अवलंबन से होता है। क्योंकि किसी भी रूप में वर्तमान में पवित्रता विद्यमान नहीं हो तो फिर ये पवित्रता के स्वरूप को नहीं जान सकता। पवित्रता का आदर्श वर्तमान में ही होना चाहिए, उस आदर्श को सामने रखकर अपनी अपवित्रता को मिटाता जाता है। जैसे कोई कपड़ा धोता है तो उसे मालूम होना चाहिए कि ये कपड़ा कितना सफेद है। हाँ ये कहता है, लेकिन ये कपड़ा कितना सफेद है वर्तमान में? सफेदी कपड़े में प्रति समय है, उसका नाश नहीं होता, उसका तिरोभाव होता है, मैल आ जाता है, वो वह दिखाई नहीं देती लेकिन वो है और उसका विश्वास किया जा सकता है। ये तो अभी सफेद होता, अभी सफेद होता, अभी सफेद होता है, वो सफेदी कहाँ से आएगी? अगर है नहीं तो कहाँ से आएगी? इसलिए एक नियम है हमारे यहाँ, सत्ता ही उत्पाद होता है, सर्वथा असत्ता उत्पाद नहीं होता। सम्यक दर्शन की शक्ति आत्मा के भीतर पड़ी है तो सम्यक दर्शन होता है, और आत्मा में वह शक्ति ही ना हो, वह गुण ही ना हो और सम्यक दर्शन पैदा हो जाए तो ये तो असत का उत्पाद हुआ। इसलिए सत का ही उत्पाद होता है। तो ये पवित्रता शक्ति के रूप में अर्थात सत्व के रूप में, शक्ति कहकर बात को हल्का नहीं करना, जैसे कहा जाता है ना, वो तो शक्ति की अपेक्षा से कहा जाता है। शक्ति की अपेक्षा से कही जाने वाली बात वो कोई विश्वास की नहीं होती, कोई मानने लायक नहीं होती। जैसे पर्याय हमारे ख्याल में आती है इसी तरह शक्ति ख्याल में आना चाहिए। जैसे पर्याय को तो हम कहते हैं ना कि मैं रागी और देशी हूँ, क्योंकि वो चलते हैं राग द्वेष में, पापी भी हूँ लेकिन मैं निष्पाप तत्व हूँ, ये बात भी उससे अधिक ख्याल में आना चाहिए, उसी तरह स्वीकृत होना चाहिए कि जैसे मेरी आदत खराब है इसी तरह मेरा जो स्वरूप है वो इस आदत के विपरीत बिल्कुल पवित्र वर्तमान में है।
ये बात पर्याय की तरह से द्रव्य दिखाई देना चाहिए तो सम्यक दर्शन होने की संभावना है, अन्यथा नहीं होती है। बड़ तो दिखाई दे और बीज नहीं दिखाई दे, उसके बिना ये संभव है क्या? अब हम क्या बोलते, शक्ति है, शक्ति शक्ति की अपेक्षा से कहा जाता है, शक्ति की अपेक्षा से कहा जाता है या वो वास्तव में है। बोलने के तरीके भी बदल गए, अनुभव की बात तो कल्पना है, वो शक्ति की अपेक्षा से कहा जाता है, वो तो कहा जाता है, और राग द्वेष है, वो कहा नहीं जाता है। राग द्वेष तो है, और आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र ध्रुव ऐसा कहा जाता है, वो कहा जाता है, उस पर क्या विश्वास करें? ज्ञानी तो हम कहे जाते हैं, वास्तव में तो मैतर हैं। तो ज्ञानी तो कैसे आएगा, ज्ञाना चला सकेगा? ये कहा जाता नहीं है, बल्कि वो है वास्तव में। ये जो मानता है तू, ये तो काल्पनिक है, ये वास्तविक है ही नहीं। जितना है तो सही, लेकिन ये विश्वास करने लायक नहीं है, क्योंकि आत्मा रागी द्वेषी पुण्यात्मा और पापी होता ही नहीं है। इस तरह क्या कहेगा, राग द्वेष कहा जाता है, आत्मा ऐसा है नहीं। हाँ, ऐसा रागी द्वेषी तो कहा जाता है, और वास्तव में तो राग द्वेष से रहित पवित्र ही है वास्तव में। तो ऐसा है, इसका नाम हो गया निश्चय नए, कहने में नहीं हुआ, ज्ञान में ऐसी परिणति हो, वास्तव में मैं शुद्ध और पवित्र तत्व हूँ, ऐसा ज्ञान में प्रतिभासित हो। जैसे ज्ञान में विकार प्रतिभासित होता है, और श्रद्धा में भी वही वो विकार ही है केवल, यहाँ वास्तव में मैं तो खराब ही हो गया एकदम, ऐसा मानता है ना, तो इसके विपरीत उसको ऐसा दिखाई दे कि जितना भी विकार है, ये विकार सचमुच वास्तविक नहीं है, पैदा तो हुआ है। ये नहीं कहे कि विकार है ही नहीं, विकार किसी न किसी रूप में तो है, लेकिन है वो असत्य, इसलिए विश्वास करने लायक नहीं है। जैसे किसी को, किसी का मस्तिष्क खराब हुआ और उसको पागलपन हो गया, तो वो पागलपन में जितनी बातें करता है वो सब असत है नहीं, और क्या सत्य नहीं है? वो सत्य नहीं है, मैंने वो नहीं करता है ऐसा, जब वो आया रो गया वो ऐसा नहीं करता है, वो बहकी बातें, तो ये है या नहीं? बस है, इतना ही सत्य है। लेकिन क्या है परम सत्य है? परम सत्य है तुझे रहने दो, लेकिन हम ये मानते हैं उसी समय, ये जितना भी दिखाई दे रहा है ये तो भ्रम है, लेकिन ये लड़का भ्रम नहीं है, ये द्रव्य भ्रम नहीं है, ये हम मानते हैं। इसलिए उसकी उस अवस्था का मैंने उसके इस द्रव्य का आधार लेकर कि ये वर्तमान में भले जो कुछ करता हो, लेकिन इसका जो शक्ति रूप है वो तो बिल्कुल स्वस्थ है एकदम। बहू हो जैसे कोई बड़े घर की, और उसको कोई यंत्र नहीं लग जाए, पहले स्वस्थ दशा में तो बड़ी लज्जावती सब कुछ, और अब क्या है, अब तो स्थिति बिल्कुल विपरीत है। तो देखने वाले ये कहें कि इसमें शर्म नहीं आती है क्या? घर वालों के सामने ये कहें कि इसमें शर्म नहीं आती है, तो घर वाले क्या कहते हैं? ये कर ही नहीं रही है इसको, इतना बचाव नहीं करते हैं, अजी ऐसी थोड़ी है, तो ये कौन है फिर, ये कर कौन रहा है? तब हम कहते हैं कि वास्तव में यह नहीं कर रही, और कर कौन रही है अगर देखा जाए, वही कर रही है ना, भले दूसरे भीतर भूत हो वो अलग बात है,
लेकिन हम उसे उसकी चेष्टा कहना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि यदि उस चेष्टा को उसकी कह दें तो हमारा कुल लजा जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये ऐसी नहीं है, ये तो बहुत लज्जावती, बहुत योग्य। ऐसा बचाव हम करते हैं, बचाव करते हैं, मैंने झूठा बचाव नहीं करते, वास्तविकता है। ये जितनी चेष्टा देखी जाती है, इस चेष्टा के साथ ये एकाकार नहीं है, ये बेबस है। यहाँ आचार्य धर्मात्मा का बचाव करते हैं तो हम कहते हैं कि देखो ये कर्म की बातें हैं, कर्मोदय से धर्मात्मा में ये दोष आ जाते हैं कि देखो ये कर्म तो देखी लिखी नहीं होगा। तो क्या कहना चाहते हैं आचार्य, कि जो धर्मात्मा है वो तो उस लज्जावती स्त्री की तरह है, लेकिन उसको भी वो भूत लगा हुआ है, इसलिए कदाचित आत्मा की विपरीत चेष्टाएं देखी जाती हैं, लेकिन उसका मन उनके साथ एक नहीं, उसका स्वरूप दूसरे ही प्रकार का है। नहीं, वो यंत्र जाता है तो वो तत्काल उठ के घूंघट तत्काल नहीं ले लेती घूंघट, और कितनी शर्माती है फिर कि मेरी क्या स्थिति होगी। ऐसी स्थिति, इसी तरह समस्त ही ज्ञानी धर्मात्माओं के दोषों को ढकते हैं अर्थात दिखाई देने पर भी उनको नहीं देखते हैं। प्रचार विचार की बात तो पापियों की है, देखते नहीं। और कोई धर्मात्मा ना हो और उसने वो पद अंगीकार कर लिया हो, वहाँ तो गलतियाँ होंगी सही। इसलिए जितने भी धर्मात्मा हैं वे वहाँ मध्यस्थ भाव रखते हैं, वहाँ भी निंदा नहीं करते हैं, क्योंकि अधिकांश में तो ये देखा जाता है नहीं कि जितना भी त्याग तपस्या आदि है तो वो वास्तविक नहीं होता है, तो आत्मज्ञान के बिना उसमें वास्तविकता आती नहीं है, तो ये सब देखा जाता है। धर्मात्मा का ये कर्तव्य नहीं होता कि वो निरंतर उसी उन्हीं को देखे और उनकी निंदा किया करे, उनके प्रति उसका मध्यस्थ भाव होता है। मध्यस्थ भाव होता है क्या हुआ, क्या हुआ, मैंने निरंतर ही मध्यस्थ भाव की चर्चा करता होगा 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 ऐसा, या उसका विचार ही नहीं करता, इसका नाम मध्यस्थ भाव। दिखाई तो दे जाएगा, ज्ञान है ना, तो अनेक ज्ञेयों का परिणाम सामने होता है, तो ज्ञान में तो आ जाएगी बात, लेकिन ज्ञान में आ जाने पर भी अति अति द्वेष, अति ग्लानि नहीं होगी धर्मात्मा किसी के भी प्रति, भले ही किसी ने प्रतिज्ञा लेकर तोड़ी हो, अथवा लेते समय ही प्रतिज्ञा टूटी हुई हो, जो कुछ भी हो, पद के लायक प्रवृत्ति नहीं देखी जाती हो, तो भी उसकी निंदा करना, निरंतर आलोचना करना, ये धर्मात्मा का काम, ज्ञानी का काम नहीं है। और यदि कोई करता है तो वो धर्मात्मा कहेगा तो हम तो देखते हैं जैसा कहते हैं, यूँ कहेगा मैं तो देखता हूँ जैसा कहता, देख लेना तो तेरा काम है, लेकिन कहना अर्थात उसका प्रचार करना तेरा काम। अगर तू ऐसा करता है तो उससे ज़्यादा दुर्गुणी है तू, क्योंकि तूने तो धंधा यही बना रखा है। ये कई लोगों का धंधा होता है ना समाज में, पंचायतों में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको अपनी पंचायत के सारे घरों का पता करते हैं, पता होता है ना, पता करते हैं किसके यहाँ सगाई हुई, किसकी हुई, क्या आया क्या गया इत्यादि, और मेरे न्योता क्यों नहीं आया, तो सारा उनको मैंने उनका धंधा ही यही होता है और कुछ होता ही नहीं। तो अच्छे होते हैं वो लोग, अच्छी दृष्टि देखे जाते हैं। इसी तरह हमारा भी काम ये नहीं है कि हम भी केवल दूसरों को देखा करें और अपने प्रति अत्यंत उपेक्षित हो जाएं। अभी अवगुण तो कितने विद्यमान हैं जो दूसरों के दोष देखता है, वो स्वयं दोषों का भंडार है। अभी सिद्ध दशा होने तक नमालन कितना रास्ता पार करना है, कितने पापड़ बेलने हैं पता है। तो ये अपने दोषों को निकालने का हर समय प्रयत्न ना करे और दूसरे के कांटे निकाले, दूसरे के कांटे बीने, ये कोई कर्तव्य नहीं। इस तरह कोई दोष आवे धर्मात्मा में, कर्मोदय से कोई दोष आ जाए, भरत और बाहुबली लड़े, वो कर्मोदय से आने वाला दोष था।
तो हम ही लड़ेंगे, और हम तो उनसे अच्छे हैं, वो तो सगे भाई थे, और ऐसे लड़ेंगे जैसे दो महान बैरी भी नहीं लड़ते। तो हमको ऐसे थोड़ी लड़ते हैं साहब, हम तो कभी कभी लड़ लेते हैं और उनको सामने रखते हैं भरत बाहुबली को। तो ये अपन उनसे अच्छे सामने क्या रखते हैं कि अपन उनसे अच्छे हैं, क्योंकि अपन इतने लड़ते नहीं। तो इसने क्या किया, इसने लड़ाई ली उनसे और कुछ सीखा नहीं। पर उनके भीतर जो शायद सम्यक और तद्भव मोक्ष जाना, ऐसी शक्ति, ऐसा पुरुषार्थ की ऐसी उग्रता जो उनके भीतर पड़ी थी, वो लेने लायक थी, वो इसने नहीं ली। और जो जोक है वो खराब खून पी गई। ये वो ऐसी जोक वृत्ति वो ज्ञानियों में धर्मात्माओं में नहीं होती।